Good morning, all of you. Amen. Today, again, we are having a new chapter, that is the village Palampur for the class 9. Village Palampur. Fine. We have done it in previous classes. I have just given you the videos and all this, and I hope that you completed. So this is a recap, fast forward revision. So you have to listen very carefully. Then you are able to understand what I want to say. So in the starting of the lesson, we have an introduction of the village Palampur. कि भाई पालमपुर गांव कैसा था? Books explaining here that there were more than 450 families were living, and their main occupation, काम जो main काम करते क्या? Farming, agriculture was the main occupation there. Most of the people they were building their own work, that they were doing the agriculture. Most of the people were poor, they were working on the different पीपल्स लैंड. कुछ लोग ही थे जो अमीर थे, जिनके पास पूरा जमीन था गांव का. लगभग 20% लोगों के पास 80% जमीन थी. ज्यादातर लोगों के पास जो जमीन थी बहुत कम थी या फिर बिल्कुल नहीं थी. एंड दे वर वर्किंग ऑन देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पीपल फॉर द वर्क. ठीक है. एंड सम पीपल ओनली 1 or 2% पीपल दे वर हैविंग देयर ओन जॉब्स लाइक दर्जी मोची. दे वर हैविंग सम शॉप्स, मिल्क शॉप एंड something else. But the main thing was that electricity was there in the Palampur. That's why it was looking a very good place. So such kind of the description is given in the starting of the lesson. But this lesson ka the main point hai, main cheeze hai. Wo main cheeze kya hai? Aapko usko samajhna padega. Maine aapko bata diya introduction de diya lesson ka village Palampur mein kya tha, kaisa tha. Topic mein fir aata hai, ye maine aapko clear kar diya hai. Factors of the production, yani utpadan ke sadhan. What are the factors of the production means whatever you are going to do produce either in the field or the factory, you require something, and that is what there are the three types of the factor of the production means kisi bhi jagah pe koi bhi cheez agar utpadan karne ke liye jayenge aap to aapko teen tarike ka sadhan chahiye. To sadhan kya hai aapke liye? Land hai, labor hai aur capital hai. Land means hota hai zameen jahan pe aap या तो खेती करेंगे या फैक्ट्री लगाएंगे या जो कुछ भी करेंगे. लेबर है, ठीक है. लेबर क्या होता है? वर्कर्स. बिना लेबर के तो कोई काम नहीं सकता, तो लेबर चाहिए होगा. थर्ड वन है कैपिटल. कैपिटल होता है पैसा, पूंजी, ठीक है. और बिना पैसे कोई काम नहीं हो सकता. तो तीन चीजें मेन है आपके लिए, लैंड, लेबर और कैपिटल. अब कैपिटल को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में. कैपिटल दो तरीके का होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल जो होता है वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है, आप उसको लंबे टाइम तक यूज करते हो, जल्दी खराब या खत्म नहीं होता. जिसमें आपकी बिल्डिंग आ गई, मशीनरी आ गई, टूल्स आ गए, आपके मोटर्स आ गए, ठीक है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसको आपने एक बार खरीद लिया तो वो काफ़ी टाइम तक चलेगा, ठीक है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद आता है फिजिकल कैपिटल, ठीक है. फिक्स कैपिटल बता दिया आपको, और एक होता है वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जो वर्किंग कैपिटल आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रखते हैं. जैसे आपने 100 रुपये से व्यापार शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, तो आपके 100 रुपये जो है वो आपका वर्किंग कैपिटल है. आप उससे क्या करेंगे? कुछ माल खरीदेंगे, कुछ पैसा रखेंगे, किसी को देंगे, किसी को लेंगे. That is called the working capital, ठीक है. आगे चलते हैं. Human capital एक टॉपिक है जो उसका पार्ट ही होती है. Human capital means हम मशीनरी है, कंप्यूटर्स हैं, बड़े बड़े चीजें हैं. आप उसको अपने आप यूज नहीं होगा, उसको यूज करने के लिए आपको एक व्यक्ति चाहिए. There should be one person, he will use that machine. क्रेन खड़ी है, क्रेन अपने आप तो काम नहीं करेगी, उसके लिए एक पर्सन वहां पर बैठना चाहिए और ऑपरेट करना चाहिए. इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल. तो ह्यूमन कैपिटल भी इसी का कैपिटल का पार्ट होता है. यानी हम कह सकते हैं कि तीन तरीके के कैपिटल होगा आपका, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल में हम लोग आते हैं जो कि उस चीज़ों का यूज करके प्रॉपर वे में उसका रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है. हाउ गेन मोर प्रोडक्शन ऑन सेम लैंड. फिर एक और टॉपिक आएगा पेपर बुक के बीच में कि आप एक ही लैंड से कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें. अगर आपके पास मान लो 1 बीघा जमीन है और उस एक बीघे जमीन से आप 100 केजी धान पैदा करते हैं, तो आप चाहते हैं कि 100 केजी से ज्यादा धान पैदा करें, तो हम उसके लिए क्या करें?
वो बुक में बताया गया है, देयर हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द मेथड्स, या तो आप अपनी खेती के तरीके को बदलाव करें या फिर अच्छी क्वालिटी के मशीनरी, सीड्स और इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाएं। बहुत आसान है, या तो आप मशीनें बदल दीजिए, आप जो फावड़े से बैल से खेती करते उसकी जगह पर ट्रैक्टर लाइए, तो उससे क्या होगा आपकी कॉस्ट और टाइम कम हो जाएगी। इरीगेशन फैसिलिटीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नदी का जो पानी है पानी शायद प्रॉपर वे में ना मिलता हो आपके खेत को, तो इरीगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव कीजिए, चाहे उसके आप हैंडपम्प लगाइए, मोटर लगाइए, पंप लगाइए, पानी लगाइए, वो भी नहीं है, वो भी सब कुछ ठीक है फिर भी नहीं, तो आपको क्या करने की जरूरत है, सीड्स को चेंज करने की जरूरत है, आप एच वाई भी सीड्स का यूज़ कीजिए, ठीक है। अपनी मतलब कॉस्ट को कम करके प्रोडक्शन को बढ़ाना है, टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, अच्छे टाइप का मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, केमिकल यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपनी लैंड की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला है टॉपिक रबी एंड खरीफ क्रॉप, बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक हमेशा आता रहता है, रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो क्या होती है कि वो सर्दियों के महीने में उगाई जाती है, ठीक है, नवंबर अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, फरवरी मार्च तक काट ली जाती है, उसमें चना दाल ठीक है गेहूँ इस तरीके की फसलें होती है, और जो खरीफ क्रॉप्स होती है बरसात के मौसम में लगाई जाती है, आजकल के टाइम में लगाई जाएंगी अप्रैल मई जून के आसपास में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक आता है जिसको कट कर दिया जाता है, ठीक है। छोटा सा स्मॉल डिटेल आप उसको देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, वी हैव डन इन सो मेनी टाइम्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ प्रोसेस बाय थ्रू बाय विच वी हैव इंक्रीज द प्रोडक्शन इन इंडिया। अच्छी क्वालिटी की सीड्स होती है, इरीगेशन फैसिलिटी होती है, टेक्निक टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा दिख रहे हैं, यू विल गेट इट। आसान है भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन ने कैसे देश के अंदर पढ़ाया सब कुछ, प्रोडक्शन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, तो अच्छी क्वालिटी की मशीनें थी, सीड्स अच्छे थे, इरीगेशन फैसिलिटी थी, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, फर्टिलाइजर का यूज़ किया गया। इसमें कुछ उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स बताया गया है। पॉजिटिव पॉइंट प्रोडक्शन बढ़ा, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो गए, लैंड डिग्रेडेशन हुआ, मिट्टी खराब हुई, पानी का ज़्यादा यूज़ किया गया जिसकी वजह से पीने के पानी का संकट आने की, वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम आ गई हमारे देश के अंदर, क्योंकि ऐसी सीड्स को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। तो सिर्फ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी और कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम चलते आगे, वर्किंग पालनपुर, क्या पालनपुर के अंदर लोग खेती होता था, नहीं, पालनपुर के लोग खेती के अलावा क्या करते थे, कॉटन इंडस्ट्री में भी काम करते, मतलब उन्होंने अपने घर में छोटे मोटे फैक्ट्री लगा रखी थी जिसके अंदर चाहे पोटर हो, पंखा बनाने का काम हो, टोकरी बनाने का काम हो, ये सब भी काम लोग करते थे। प्लस ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी थी, तो आसपास के जो जितने भी शहर थे उससे वो कनेक्टेड हुआ करते थे और अपने माल को सीधे अपने यहाँ से उठा के पहले बड़े शहर उसके बाद फिर मंडी में बेच दिया करते थे। कुछ लोगों ने दूध का व्यापार किया हुआ था, डेयरी फार्मिंग कर रखी थी, तो उससे भी फायदा कमा रहे थे। तो इस लेसन के अंदर आपको प्रॉपर वे में समझाया गया है कि पालनपुर जैसा एक गाँव हो तो आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से आपका देश चल सकता है, सारी चीज़ें हम करते हैं कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आस्क मी।